सो हेलो जी नमस्ते, आई होप समझते, वेलकम टू एके एथ रिव्यू। दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली थिएटर्स में आ चुकी है वायर अप स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3, जिसके मेन स्टार कास्ट में सलमान खान, कटरीना भावी और इमरान हाशमी। मूवी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लंबी है और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो ये मूवी देखने से पहले आप ये मूवी जरूर देख लें, एक था टाइगर, वॉर, टाइगर जिंदा है और पठान। कहानी में टाइगर के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है ताकि वो कुछ गलत काम कर सके, जिससे वो देशद्रोही साबित हो जाए। और इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड है आतिश रहमान, मतलब अपने इमरान भैया। देखो परफॉर्मेंस की बात करूं तो मूवी की शुरुआत में ही जब इमरान की एंट्री होती है तो लिटरली माहौल इंटरनेशनल लेवल का बन जाता है। तो यह इमरान और कटरीना भाभी का परफॉर्मेंस सच में अच्छा है। बट वहीं सलमान भाई की बात करें तो वो अपने उसी रेगुलर एटीट्यूड के साथ नजर आते हैं। ये अच्छा किया कि गाने सिर्फ दो ही डाले, एक स्टार्ट में और एंड में, बट अगर वो नहीं भी डालते तो चल जाता भाई। BGM सेम टाइगर का यूज किया गया है हर बार। एक्शन अच्छा था कहना पड़ेगा, स्पेशली कटरीना का वो गले पर घूमकर फायर करने वाला सीक्वेंस बढ़िया था। ऑन अदर हैंड सलमान का एक्शन भी अच्छा था, लेकिन कैमरा वर्क इतना सही काम नहीं कर पाया। बाकी कैमरा वर्क की बात कर ही रहे तो कुछ कुछ जगह सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी, स्क्रीन प्ले काफी तगड़ा रखा गया। ये 2.5 घंटे कहीं बोर फील नहीं हुआ मुझे। और हाँ, एज एक्सपेक्टेड मूवी में कुछ अच्छे कैरेक्टर्स और कैमियोज हैं और मैंने वो कुछ ज्यादा एंजॉय किए। ऑल्दो उस टाइम पर एक्शन कुछ तो भी था बट मजेदार था। इमरान और कटरीना जब जब दिखाई देते हैं वो अपना प्रेजेंस महसूस करवा देते हैं। वहीं शिकायत करो तो कितनी सारी शिकायतें निकल जाएंगी, जैसे भाई के दुश्मन कितने ही चमन थे, एक गोली नहीं मार पाते। वैसे कहानी इंडियन ना होकर पाकिस्तानी ज्यादा लगती है। और वहीं मेरी पर्सनल लास्ट प्रॉब्लम, विशाल जेठवा जैसे अच्छे एक्टर को इन लोगों ने मूवी में वेस्ट कर दिया। सो ओवरऑल कहूँ तो मूवी एंटरटेनर तो है, फैमिली के साथ देख लोगे और एंजॉय भी कर लोगे। बट वहीं बात करो इस मूवी की रिवॉचेबिलिटी की तो वो इतने कुछ खास नहीं है। मेरे ख्याल से इस मूवी को देखने के लिए मैक्स 200 रुपये खर्च करने का बजट काफी है और मैं इस मूवी को देता हूँ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। और हाँ, जाते जाते मिड क्रेडिट सीन मिस मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।